अगला सवाल है बच्चों, देखो ये सवाल अगर मैं लिख रहा हूँ वही बिल्कुल अभी भी बेसिक ही चल रहा है इसी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जिसमें सवाल लिखा कि 3 की पावर x + 3 की पावर -x = 10/3 है, फाइंड x। तो सॉल्व करने के लिए एक चीज जो आप सबको दिख रही है यहाँ पे कि 3 की पावर -x को मैं लिख सकता हूँ, देखो सोल्यूशन, आप चाहो तो 10 सेकंड में इसका, अधिकतम 1 मिनट में आप इसका सोल्यूशन बता सकते हो। 1 मिनट से ज्यादा कि ये सवाल है ही नहीं, मतलब 1 मिनट भी मेरे लिए ज्यादा ही मैं बता रहा हूँ। वैसे तो आंसर फटाफट आपको बताना चाहिए, बट 1 मिनट में मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ आपको, तो इसको 10 सेकंड में आंसर बताना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो 3 की पावर x + 3 इसको लिख सकता हूँ 1/3 की पावर x = 10/3। अगर मैं यहाँ पे जब ऐसे चीजें आ जाए बिल्कुल क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, तो आप इसको 3 की पावर x को एक चीज मान लो t, कोई भी चीज मान लो t, तो मानते ये हो जाएगा आपका t + 1/t = 10/3। देखो ये हो गया आपका t² + 1/t = 10/3, और बच्चों हो गया ये 3t² + 3 = 10t। इसको इधर लेके आया 3t² - 10t + 3 = 0। यहां से क्या हो गया बच्चों, हमने कॉमन लिया ये, देखो 3t² - 9t - t + 3 = 0। 3t कॉमन ले लिया तो t - 3 बच गया, -1 कॉमन ले लिया तो t + 3 बच गया, t - 3 बच गया = 0। t - 3 कॉमन ले लिया तो आपका आया 3t - 1 बच गया। यहाँ हो गया, यहाँ से t की वैल्यू 3 हो गया, या फिर t की वैल्यू 1/3 हो गया। जिस दिन t की वैल्यू हम 3 ले लेंगे, यानी 3 की पावर x है, t क्या है 3 की पावर x है, तो 3 की पावर x = ये मैंने लिख लिया 3 की पावर -1। पावर पावर कंपेयर किया तो x = 1 आया, या x = क्या आ गया -1। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि सर जी आप ये लिखा हुआ था ना 3 की पावर x, देखो डायरेक्ट कैसे मैं बोला था कि 10 सेकंड में भी आप आंसर बता सकते हो। 3 की पावर x 3 की पावर -x 10/3, इसको भी 2 पार्ट में करो, क्या 3 + 1/3 लिख सकते हैं क्या, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 3 की पावर x + 3 की पावर -x को लिख सकते हैं क्या 3 + 3 की पावर -1। कंपेयर करो, x = 1 दिख रहा है कि नहीं, x = 1 दिख रहा है, इसी को रिवर्स कर दो तो x = या तो 1 आंसर हो जाएगा या x = -1 आंसर हो जाएगा। सिंपल आपका ये आंसर है। अगर हम x = -1 रखेंगे तो इधर उधर पलट जाएगा, बस आपका ये आंसर है डायरेक्ट निकालने का तरीका। ये तो आपके सामने एक छोटा सा सवाल है। एक और सवाल मैं ऐसी मान लो आपके सामने रख देता हूं, जैसे सवाल लिखा है 8 cosec² x - 6 cosec x + 1 = 0। क्या होगा बच्चों, देखो होता ऐसा है कि देखो फिर से वही काम, अपने पास एक क्वाड्रेटिक तो दिख रही है लेकिन डायरेक्ट x में ना दिख के किस में दिख रही है, कोसेक में। तो दुनिया क्या करती है कि कोसेक को क्या मान लो, दुनिया जो करती है मानना तो पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, तो हमने मान लिया इसको t मानते ही ये आया 8t² - 6t। बाकी दुनिया के बाद अपना दिमाग भी लगाना होगा, तो 8 का फैक्टर 4 और 2, तो आपका ये 8t² - 2t + 1 = 0। यहाँ से 4t कॉमन किया तो 2t + 1 बच गया, -1 कॉमन किया, और -1 कॉमन किया तो 2t - 1 = 0। 2t - 1 कॉमन हुआ तो बच गया आपके पास 4t - 1। क्या हुआ फाइनली बच्चों, यहाँ से या तो t = 1/2 आया, या फिर t = 1/4 आया। और t को हमने किसको ले रखा था, cosec² x = cosec x को ले रखा था, तो ये 1/2 हुआ या cosec x = 1/4 हुआ। मेरा आपसे सवाल है, cosec x की वैल्यू अगर 1/2 है तो x की वैल्यू कितना होगा, बोलो बोलो फटाफट बोलो, क्या 30 डिग्री होगा क्या? अरे तो 30 डिग्री कोई ऐसी वैल्यू आती है क्या? अरे आप लोग तो पढ़ चुके हो, ये तो बात जानते हो कि कोसेक की वैल्यू -1 से 1 को छोड़ के कुछ भी होता है। मतलब कोसेक की वैल्यू -1 से 1 को छोड़ दिया जाए तो कोसेक एक्स की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होता है, और कोसेक एक्स की वैल्यू 1/2 और 1/4 आया है। यहाँ दोनों ही अपने इसका पार्ट नहीं होगा, मतलब दोनों ही कभी भी कोसेक की वैल्यू 1/2 और 1/4 नहीं हो सकती है, इसलिए यहाँ से नो सॉल्यूशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, क्या हो जाएगा यहाँ से नो सॉल्यूशन, क्योंकि हमने तो पूरा मेहनत करके सॉल्व करके लाया, आंसर आया नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी इसका आंसर, एक भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा कि आपका ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। दिखती बड़ा अच्छा सुंदर से इक्वेशन दिखे,
एक सुंदर है लेकिन किसी काम का नहीं है। हर सुंदर चीज काम की हुए जरूरी नहीं है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ऐसे ही लिखता हूं मैं एक और सवाल, ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सा सवाल, e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। हमको बताना है कि इसका इसके x की वैल्यू बताना है, हमको x फाइंड करना है, फाइंड x। तो फिर से सेम चीज है हमारे लिए, तो फाइंड x क्या करेंगे, कहेंगे कि भाई e की पावर साइन x को क्या मान लिया जाए। e की पावर साइन x को पहले एक बार लिख लेता हूँ, मतलब हमें पता है कि आप कहोगे कि टाइम वेस्ट है, लेकिन कोई हमारे लिए बहुत टाइम नहीं लगेगा। हम यहाँ पे e की पावर साइन x को मान लिए t, तो ये हो गया t, तो ये हो गया आपका t माइनस वन बाय t माइनस फोर, मतलब t स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन। देखो माइनस वन माइनस फोर t अपॉन t इक्वल टू जीरो, क्या हो गया t स्क्वायर माइनस फोर टी माइनस वन इक्वल टू जीरो। टी उधर जाके जीरो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा बताओ, अब इसके टी की वैल्यू निकालना हो तो कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों, कौन सा सिद्धाचार्य बाबा को याद करेंगे। बाबा बताए कि प्लस माइनस कर लो यहाँ पे, और फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन अपॉन टू, तो ये आया टी की वैल्यू फोर प्लस माइनस अंडर रूट चार, मतलब सोलह और ये चार बीस, 20 अपॉन 2। इसमें से चार कॉमन हो गया, चार कॉमन हुआ मतलब चार बाहर आके दो बना और दो से कटा नीचे वाला, तो ऊपर बचा 2 प्लस माइनस रूट फाइव। अब जरा देखो यहाँ से दो वैल्यू है, टी की वैल्यू 2 प्लस रूट फाइव एक आया, और एक टी की वैल्यू आया 2 माइनस रूट फाइव, यानी टी का मतलब है ई की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट फाइव, और ये भी ई की पावर साइन, और ये हो गया आपका साइन एक्स 2 माइनस रूट फाइव। एक और बात है, अब देखो हमें तो साइन एक्स चाहिए, तो यहाँ से ई हटाना पड़ेगा। ई हटाने के लिए क्या करना होगा आपको, तो दोनों तरफ लॉग बेस ई लेना पड़ेगा। तो देखो दोनों तरफ में थोड़ा सा जगह पे मैं मिटाता हूँ, हल्का सा ये वाली पार्ट में मिटाता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया है, तो मैं इस वाले पार्ट को मिटाता हूँ ताकि उसको आगे मैं प्रोसीड कर सकूं। तो मैंने इसको इतना सा मिटा दिया, सिर्फ इतना सा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने को, सिर्फ इतना सा मैंने मिटा दिया। तो यहां से आप देखें तो क्या हो गया, e की पावर दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, टेक लॉग बोथ साइड, अब क्या बेस क्या रहेगा, e लॉग बेस बोथ साइड। ये सिर्फ आपका ये एक सवाल नहीं है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम में आप फंसो कि एक यहां रहे और यहां इसके पावर में ना दिखे, तो दोनों साइड लॉग ले लो उसी बेस के साथ, तो ये आपको एक तरीका पता चल रहा है। तो यहां आ जाएगा लॉग बेस e की पावर साइन एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई टू प्लस रूट फाइव, और दूसरा वाला हो गया लॉग बेस ई की पावर साइन एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई टू माइनस रूट फाइव। बड़ा ही सिंपल सी बात है, ये तो दोनों ई बेस सेम है तो हट गया, और यहां बच गया साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस ई टू प्लस रूट फाइव। और लॉग इसी दिन के लिए पढ़ाया जाता है कि जिस दिन ये सब चीजें आएंगी तो आप क्लियरली बता सको लॉग बेस ई टू माइनस रूट फाइव। बोलो बच्चों रूट फाइव की वैल्यू कितना, तो लगभग होती है 2.3 के आसपास, क्या होती है नियरली 2.3 के आसपास होती है रूट फाइव की वैल्यू। देखो ध्यान से 2.3 के आसपास होती है, तो 2.3 2 में से रूट फाइव को मैं निकालूंगा मतलब 0.3 निकालूंगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा निगेटिव, और निगेटिव आएगा यहां पे, तो निगेटिव होते ही लॉग तुरंत भागेगा, अरे मैं मेरे अंदर निगेटिव क्यों नहीं ऐसे कैसे बराजी नहीं कर सकता, मतलब निगेटिव के साथ उसको एलर्जी है आती दूर भागेगा, मतलब मना कर रहेगा कि ना मैं कुछ नहीं देने वाला यहां से, निगेटिव दे दिया हमको जो चाहिए नहीं वही दे दिए, मतलब यहां से नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। यहां पे आया तो साइन एक्स की वैल्यू देखा गया, तो e की वैल्यू होती है कुछ लगभग हमने बता रखा है 2.718 के आसपास होती है, और ये रूट फाइव 2 प्लस 2 दोनों मिलके आपका कुछ 4.3, देखो कुछ मैं नियरली बोल रहा हूं एग्जैक्ट नहीं नियरली। और एक और बात मैंने बताया था, क्या बताया था आपसे कि जब बेस और ये दोनों एक से ज्यादा तो पूरे की वैल्यू एक से ज्यादा, तो ये भी एक से ज्यादा है, ये भी पूरे की वैल्यू एक से ज्यादा, मतलब ये ग्रेटर देन एक, और एक होते ही साइन मना कर दिया कि अरे भाई क्या कर रहे हो,
क्या कर रहा हूं मैं, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती मेरी वैल्यू। मतलब इस बार पिछली बार लॉग मना किया, इस बार साइन मना किया कि नहीं नहीं नहीं, अपन लोग एक से ज्यादा कभी नहीं जाता, अपन लोग एक से ज्यादा नहीं रहते। तो यहां से भी क्या आया, नो सोल्यूशन। मतलब दोनों ही मिलके क्या दिए हमको, घंटा जीरो दे दिए, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं। सवाल क्या पूछता है इसको, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन। इसमें जो सवाल क्या पूछता है, फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब कितने सोल्यूशन होंगे। तो कितने सोल्यूशन आएगा इस सवाल के लिए, जीरो। वैसे ही यहां भी पूछता है कि फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन इस सवाल के लिए भी, तो यहां भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो बात पकड़ में आ रही है, ये तो हमको आपको बेसिक बेसिक सवाल कर रहे हैं, आपको कुछ क्वालिफिकेशन जो कक्षा 10 के बेसिस पे मैं कर रहा था। अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब आपका ये है कि अब हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अब ये जो रूट्स हैं, जो जैसे यहाँ पे जो ये रूट्स आया है, जो एक्स की वैल्यू आई है, तो ये तो एक स्यूडो क्वाड्रेटिक यानी ऐसी क्वाड्रेटिक जिसमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही थी वो है, बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने आया तो उनके नेचर यानी उनके रूट्स के नेचर के बारे में कि कैसे पता करेंगे कि रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, रूट्स रियल होंगे, रूट्स इमेजिनरी होंगे, या रूट्स आपका रेशनल होंगे, इंटीजर होंगे आपका, या आपके नेचुरल नंबर रूट्स होगा, क्या होगा उसके बारे में अब पता करेंगे। फिर उसी में हम आगे प्रोसीड करेंगे रूट्स के निगेटिव पॉजिटिव के बारे में। आए बच्चों, आप हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो अब करेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कशन करना है हमको, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि रूट्स का नेचर क्या होगा, किस तरह के रूट्स होंगे। देखो कभी रूट्स आपके देखे होंगे, कभी आपके रूट्स आ जाते हैं रियल, कभी रूट्स आ जाते हैं इमेजिनरी, कभी आ जाते हैं इंटीजर, कभी आ जाते हैं रेशनल, कभी आ जाता है इरेशनल। तो वो सब चीजें जो होती है वो कैसे आती है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ तो क्लास टेंथ में आप पढ़े भी हैं, पर हम थोड़ा सा क्लास टेंथ से बियॉन्ड भी जाएंगे, क्लास टेंथ से ऊपर भी जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि ज्यादातर इसके सवालों को रिवर्स प्रोसेस में सोचना होता है। मतलब हम क्लास टेंथ तक क्या करते थे, बोलता था कि इसके रूट्स बताओ कैसे होंगे, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या रियल होंगे या इंटीजर होंगे, या एक रूट होगा या दो रूट होगा, ये सब चीजें क्लास टेंथ तक हमने बातें करते थे। पर यहां क्या बोलेगा कि रूट्स रेशनल है तो बताओ कि किस टाइप का, यानी एबीसी की वैल्यू क्या होगी, रूट्स रेशनल होगा। मतलब उल्टा अपोजिट, पहले ही रूट्स के बारे में बता देगा तो अपोजिट उल्टा कैसे सोचेंगे हम। यहां पे बेन का हमारा ये होगा कि रूट्स बता दे, रूट्स के बारे में बता दे, उस पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। ये नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन देख के आपको किस टाइप का क्या रूट्स बनेगा, नहीं, रिवर्स ज्यादा पूछता है इसमें। तो इसलिए जरा सा हम एक बार लिख देते हैं सब चीजें, बाकी तो सवाल करेंगे हर टाइप के। यानी क्या पढ़ना है अपने को, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के बारे में, नेचर के बारे में पढ़ना है, रूट्स के नेचर के बारे में। देखो थोड़ा सा मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखता हूं कि, या अगर हम क्लास टेंथ के बारे में पढ़े कि क्लास टेंथ में हमने क्या किया था, तो टेंथ तक हमने कुछ ऐसा ही किया था कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी, क्यूई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और एक बात जो क्लास टेंथ में नहीं बताई गई थी वो ये कि आपका ए बी सी यहाँ पे जो कोफिशियंट है वो रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। अगर कोफिशियंट रियल नंबर है तो हमने क्या निकाला यहाँ पे, डी। डी को मतलब हमने क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट। अभी मैंने कल ही बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट आपका है ये, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये निकालेंगे, ये टोटल तीन बातें हो सकती हैं, टोटल इसके साथ तीन बातें हो सकती हैं कि या तो डी जीरो आएगा, या तो डी निगेटिव पॉजिटिव आएगा, या तो डी निगेटिव आएगा। डी जिस दिन पॉजिटिव, डी जिस दिन जीरो होगा उस दिन रूट्स जो होंगे इसके कितने रूट होंगे, इसके दो रूट होंगे अल्फा और बीटा। अबे मैं ये नहीं बताया कि रूट्स कैसे होंगे, बस ये कह रहा हूं कि दो रूट्स होंगे, कैसे निकालेंगे। तो वही आपको याद होगा कि ये ब्रैकेट में आया था, अंडर रूट के अंदर आया था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब हम निकाल रहे थे, यानी यहां से अल्फा कामा बीटा जब हम निकाल रहे थे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए आया था। तो ये अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक और बात मैं लिख दूं कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जरूरी है, ये भी बात आपको जानना जरूरी है। तो ये, तो जिस दिन ये आपका रूट्स कैसे हो जाएंगे, तब उस केस में रूट्स जो हो जाएंगे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल यानी दोनों रूट्स आपके इक्वल हो जाएंगे और रियल भी रहेंगे। रियल मतलब आपका कुछ एकदम बिल्कुल वन टू थ्री रियल नंबर लाइन पे रखने लायक रहेंगे।
जिस दिन डी पॉजिटिव होगा उस दिन आपके टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब रूट्स तो आएंगे और वो भी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। जैसे एक कुछ टू आएगा, एक कुछ मान लो माइनस फाइव आएगा, वन बाय टू आएगा, कुछ भी, लेकिन रियल होंगे। इसके बारे में अभी निगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा इमेजनरी रूट्स। कैसे हो जाएंगे ये इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे। और जो इमेजनरी रूट्स हो जाएंगे यहां ऑलवेज अपीयर, ऑलवेज एग्जिस्ट कैसे होते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर। अब सर ये कंजुगेट पेयर क्या होता है, कंजुगेट पेयर में हमेशा होता है, कंजुगेट पेयर का मतलब अगर एक P प्लस आई क्यू होगा पहला रूट, दूसरा रूट हो जाएगा P माइनस आई क्यू। ये ध्यान देना बच्चों, क्या होता है कई बार गलती होता है कि लोग क्या सोचते हैं कि बीच में माइनस लगाना है चाहे कहीं लगा दो, बीच में माइनस लगाना है कहीं लगा दो, ऐसा नहीं है। हमेशा साइन चेंज करना है आई वाले का, अगर ये माइनस है तो ये प्लस करना है आई वाले को, और ये प्लस है तो माइनस करना है। ये नहीं कुछ भी मुंह ठाक लगा दिया, लाइक जैसे ऐसे कि 3 प्लस 3 माइनस 2i का कंजुगेट 3 प्लस 2i होगा, बिल्कुल सही है। माइनस 3 प्लस 2i का कंजुगेट तो कोई 3 प्लस 2i लिख दे, ये गलत है, नहीं ये नहीं होता है। माइनस 3 ये रियल वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ i का साइन चेंज करना है, ये माइनस ही रहेगा। आई बात समझ में, यानी या ऐसे कहूं कि i प्लस 1 का कंजुगेट आपका होगा माइनस i प्लस 1, मतलब साइन किसका चेंज करना है आई वाले का। तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है इमेजिनरी रूट, कब, जब डी निगेटिव होगा, डी पॉजिटिव होगा तो टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट। ये क्लास टेंथ में हमने पढ़ा था, रूट्स आर रियल और रूट्स आर इक्वल। जब इक्वल होगा तो एक बात और है, उस केस में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमेशा जैसे डी जीरो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये बहुत ही काम की बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो x माइनस माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, हमेशा आएगा x माइनस माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो x माइनस माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर आएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका डायरेक्ट, यानी जब ये d इक्वल टू जीरो जाएगा तो इसका जो आपका परफेक्ट होल स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा इक्वल टू जीरो। ये आपकी बात क्लास टेंथ है, फटाफट एक दो एग्जाम्पल करके हम थोड़ा सा अब इसके आगे की बात करेंगे। क्या एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक सवाल दे दिया कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, ये बात यहां पे जरूरी है कि किसके लिए मैं बात लिखा हूं, ये रियल नंबर के लिए बात लिखा हूं, इसलिए सिर्फ क्लास टेंथ के बारे में बोल रहा हूं। अगर मैं इसी को थोड़ा बदलूंगा तो वो बियॉन्ड द क्लास टेंथ चला जाएगा। तो ये हो गया आपका, इधर देखो फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, कितना नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा इसका, सवाल में दे रहा हूं फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जब भी सवाल आएगा क्वाड्रेटिक, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, डी निकालना। सबसे पहला काम हमारा होगा डी निकालना। डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी निकालना ये माइनस थ्री का ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फाइव। जरा बताओ तो बच्चों क्या हो गया, तो ये हो गया नाइन माइनस 20, क्या ये निगेटिव आया, क्या मतलब आया माइनस 11 निगेटिव। निगेटिव आते हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी या रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या इसी को इमेजिनरी भी बोला जाएगा, इमेजिनरी रूट्स आर इमेजिनरी। और जब भी ये रूट्स होंगे तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे आपका एक और मैं सवाल लिखता हूँ, इस सवाल में लिखा है कि रूट टू एक्स स्क्वायर, इस बार देखो सारे कोफिशियंट रियल हैं, मतलब ये इंटीजर भी है रियल भी है, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। इसको आपको बताना है किसके बारे में, तो इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है कि कैसे है नेचर ऑफ रूट्स। देखो यहाँ पे जो इसके कोफिशियंट है ए बी सी, तो देखो ए आपका कोफिशियंट एक इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये एक रेशनल यानी इंटीजर भी है, रेशनल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी का मतलब माइनस टू रूट थ्री का स्क्वायर इन माइनस फोर
a की जगह पे रूट टू और c की जगह पे 5, ये कितना हो गया, तो ना ये 12 हो गया, 2 2 4 3 12 माइनस ये कितना हो गया आपका 20 root 2। और देखो 20 root 2 देखो क्या आया आगे, अगर मैं इसको माइनस थोड़ी देर के लिए कर दूं तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्या ये आपको पॉजिटिव है, जान मुझे क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ऐसा सवाल है नहीं कि इसमें मैं बहुत आपका दिमाग खपाऊं, पॉजिटिव आया, एग्जैक्ट पॉजिटिव आ गया, तो हम कहेंगे कि रूट्स इसके रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, दो रूट होंगे, दो अलग अलग रूट होंगे, आ रही बात समझ में, तो ये सिर्फ लिखने का तरीका है, दो रूट होंगे कुल मिलाकर, दो रूट होंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यही लिखने का तरीका होता है। तो ये आपका है आपका कुछ ऐसे, पर ये तो अपनी बातें जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, क्लास टेंथ के लिए। एक छोटी सी बात मैं बताता हूं कि सर अभी आपने कहा कि ये एबीसी रियल है, अगर सर एबीसी में कोई एक इमेजिनरी हो जाएगा तो क्या होगा, तो बेटा देखो एबीसी में अगर बी इमेजिनरी हो गया तो ऑलवेज रूट इमेजिनरी आएगा, रूट हमेशा क्या होगा इमेजिनरी, क्योंकि ये वाला पोर्शन आई आ जाएगा। अगर अगर यहां पे अगर ए और सी में इमेजिनरी, मतलब ए और सी में अगर इमेजिनरी वाला पार्ट हुआ नहीं आई आया, तो यहां पे चांस है कि आपका आई आए या आए आई ना आए, मतलब हम तब श्योर ये नहीं कह सकते हैं कि रियल ही आएगा या इमेजिनरी आएगा, दोनों चांसेस हो सकता है, कि मान लो यहां पे आई है, यहां पे आई नहीं है, इन दोनों जगह आई है, तो हो सकता है आई आए या आई ना आए, लेकिन अगर बी पे आई है तो श्योर शॉट है कि इसके रूट्स इमेजिनरी ही आएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछा सकता है कि एबीसी रियल है, अगर इमेजिनरी होता तो क्या होता, तो आप क्लियरली उनसे बता सकते हैं कि सर अगर बी इक्वल टू आई हुआ, यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स आई हुआ, तो ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रूट देगा, लेकिन अगर बी आई नहीं है और ए और सी आई है, तो चांस है कि ये आपका कॉम्प्लेक्स भी हो और रियल भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स बियॉन्ड द 10th क्लास, मतलब थोड़ा आगे के लिए बात करेंगे रेशनल नंबर के लिए। तो अभी तक बच्चों हम पढ़ रहे थे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, कि ये इसके रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन सब चीजों के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। अब थोड़ा उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं। एक छोटा सा मान लो कि मैं एक सवाल देता हूं, जैसे सवाल से स्टार्ट करते हैं, अगर मैं एक छोटा सवाल लिखता हूं, छोटा सवाल जैसे लाइक अगर मैंने सवाल लिखा क्वेश्चन आपका कि इफ पी क्यू आर आर रूट्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन दे रखा है, लाइक इक्वेशन दे रखा है 8x³ - 101x + 2020 = 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू का होल क्यू प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यू प्लस आर पी प्लस आर का होल क्यूब, पी प्लस आर का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये अपने को निकालना है। तो बच्चों थोड़ा सा आप रुक जाएंगे सॉल्यूशन बनाने से पहले, थोड़ा सा एक लाइन और देख लेंगे मेरी बात की, क्या मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी एक फार्मूला, जरा सा हम एक फार्मूला आपको दोबारा यहाँ पे शायद बेसिक में मैंने बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा तो एक फार्मूला मैं दोबारा बता दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं आपको कि जब भी इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, देन आपको एक बात हमेशा ध्यान देना चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला या इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आपका निकलेगा आपका वन के एस, यानी ये माइनस 3abc का फार्मूला आप ओपन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाता है इसका a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आता है इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला बन जाता है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि फार्मूला हम सीख गए, इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कभी भी देखो यही सबसे बड़ी बात है, कभी भी
कभी भी a का ब्रैकेट का q प्लस किसी भी एक ब्रैकेट हो, कोई भी दूसरा ब्रैकेट हो और कोई भी तीसरा ब्रैकेट हो, इसका q पूछेगा, तो एक बार आप प्लीज चेक कर लें, चेक कहीं दिस ब्रैकेट का सम जीरो तो नहीं हो रहा है। अगर इनका सम जीरो हो गया तो क्या हम लिख देंगे, तब ये तीनों ब्रैकेट का क्यूब का मतलब 3 × 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट, ये ध्यान रखना, ये चीज हो जाएगा आपका। तो आपका जब भी आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब किसी भी तीन नंबर का क्यूब पूछे तो आपको ध्यान देना है कि उस केस में अगर बस चेक कर लेना है कि तीनों ब्रैकेट का सम तो कहीं जीरो नहीं हो गया। अगर सम जीरो हो गया तो आपको क्या कर देना है, तो आपके लिए आसान हो गया कि 3abc हो गया, लॉजिक है, लॉजिकली चल रहा है ये बात। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब तीन नंबर के क्यूब का सम इक्वल टू तीन नंबर का प्रोडक्ट, 3 × 3 नंबर का प्रोडक्ट। बट कब कब ये बात संभव हो रही है, जब आपका a प्लस बी प्लस सी है और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा का मतलब कि अगर ये बात है तो इसका मतलब है कि ये तभी हो सकता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है। तो यानी आपको कभी ये पूछेगा तो हम पहले ये चेक करेंगे। तो यहां भी हमसे पूछा है, इधर आ जाओ बच्चों जरा देखते हैं, यहां से हमसे पूछा है P प्लस क्यू का होल क्यू प्लस आर का होल क्यू प्लस पी प्लस आर का होल क्यू, इसकी वैल्यू पूछा है। तो हम पहले एक बार चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि कहीं चेक कहीं पी प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस आर प्लस आर प्लस पी आर प्लस पी इक्वल टू जीरो तो नहीं है ना, यानी इसकी वैल्यू कितनी है पहले निकालेंगे। इसके लिए अपने पास जो इक्वेशन दे रखा है वो 8x³ - 101x + 2020 = 0, इसके तीन रूट है कौन, पी क्यू आर। जरा बताओ तो बच्चों सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर क्या हो जाएगा, क्या सबसे क्या होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ, देखो अभी थोड़ी पहले हमने लिखे कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर लेस देन वन हाईएस्ट पावर से एक कम डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशियंट, यही लिखा हमने। क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर है, क्या नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नॉट प्रेजेंट। अगर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू उसका कोफिशियंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर कोफिशियंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, जीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है इसलिए पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू हो गया आपको सिंपली -0/8, यानी आंसर हो गया जीरो, p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो हो गया। और जो ये है जरा देखो तो ये p प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी दो 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 यानी 2p प्लस क्यू प्लस आर आ गया क्या, और 2p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, यानी इनका सम इन तीनों ब्रैकेट का सम जीरो हो गया। देयरफॉर अब तो हमारे लिए आसान हो गया ना बच्चों, क्या आसान हो गया कि सर जी अब तो p प्लस क्यू का होल क्यूब क्यू प्लस आर का होल क्यूब प्लस पी प्लस आर का होल क्यूब इक्वल टू 3 times क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी, बिल्कुल सही बात है। सर अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद अपने को करना है, इसके बाद अपन लोग करेंगे, देखो यहां से इसके बाद आपका जरा देखो ये p प्लस क्यू, लेकिन एक बात और अपने पास आ चुकी है, क्या आई है बच्चों जरा देखो, तो एक चीज और आ गई है कि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, तो बोलो p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी, माइनस आर, q प्लस आर की वैल्यू कितनी, माइनस पी, r प्लस पी की वैल्यू कितनी, माइनस क्यू, उठा कर रख दिया जाए 3 × -r - p माइनस क्यू, क्या हो गया अपना आंसर -3rpq। अच्छा ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है क्या, ये तो सम ऑफ रूट्स हमने निकाला था, यहाँ पे कहा गया सम ऑफ रूट्स, ये तो सम ऑफ रूट्स निकाला था, जरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ तो, यानी पी इंटू क्यू इंटू आर कितना हो जाएगा, क्या देखो तो बच्चों यहाँ इधर साइड में देखो तो अपने पास इक्वेशन ये है, क्या है अपने पास इसका, अब जरा देखो नहीं वहां भी तो लिखी है, अच्छा यही पे आता है, यही लिखी तो है यहाँ पे 8x³ - 101x + 2020। अच्छा देखो पहला प्लस, पहला माइनस था, दूसरा प्लस था, तीसरा माइनस होता है, याद करो, या मैंने क्यूबी को बताया था -1 की पावर 3 इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन
रीडिंग कोफिशियंट, तो क्या हो जाएगा माइनस 20 20 बाई 8, यानी यहां हो जाएगा आपका माइनस 3 × −20 20 बाई 8। अगर देखो कट रहा है क्या, 4 से तो कट रहा है, 8 से भी कट रहा है क्या, शायद 8 से भी कट रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 8 2 = 16 और आपका हो गया 4 और 2, नहीं नहीं कट रहा है आपका, 8 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो ये हो गया 5 0 5 0 5 by 2। बात समझ में आ रही है बच्चों, 4 से कटा, अब ये बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, 1515 यानी A1515 अपॉन आपका हो गया कितना 2, यही आपका आंसर हो गया इसकी वैल्यू। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान देना कि जब भी आपका इसमें दो चीजें मिक्स है, एक तो ये फार्मूला और दूसरा क्यूबिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी, यानी रूट सम ऑफ रूट्स वगैरह वगैरह सब चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है बच्चों। बात समझ में आई, और जरा सा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ेंगे, अगला सवाल के लिए बोर्ड मिटाया जाएगा।